आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। उसी बेहतर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाला हो, ठीक है, जो कि 80 नंबर का है और ये जो है साइंस सब्जेक्ट से है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो ये मॉडल सेट 1 है, तो इसको ध्यान से देखना है। आपके इस वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा ये सारे क्वेश्चन की, ताकि आपको 80 का 80 आप जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी फोकस यानी कर है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऋणात्मक कहेगा तो जैसे ही माइनस कहेगा तो ध्यान रखिएगा अ से शुरू होगा, माइनस कहेगा तो अ से शुरू होगा, यानी अवतल दर्पण का जो है दूरी हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक में क्या होगा अ से शुरू होगा। और जैसे ही कहेगा कि प्लस में धनात्मक कहेगा तो उत्तल दर्पण कहना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी है और इसी को जानते हुए हम लोग उत्तल दर्पण भी जान लिए कि ये प्लस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए तो एक बार क्या कह रहा है, कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो ये कह रहा है कि एफ और आर में क्या संबंध है। तो आप लोग जानते ही होंगे एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू होता है, आर बाई टू ये फॉर्मूला होता है फोकस दूरी निकालने का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए तो यही चीज लिखा है कि नहीं, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और जो है एग्जाम में बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वो सारे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, यानी आज जिसका आंख सही है सामान्य है तो उसका जो है न्यूनतम दूरी यानी सबसे आंख के कितना पास लिया जाएगा, यानी आंख के कितने पास लिया जाएगा कि उसको दिखाई दे सकता है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है सबसे कम दूरी। अगर उससे ज्यादा नजदीक कर दीजिएगा तो आपको सही जिसका आंख सही भी है उसको नहीं दिखाई देगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका बहुत सारे आंसर छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला जो कलर होता है वो होता है आपका रेड कलर, यानी ये सबसे कम झुकता है और सबसे अधिक इसके ऊपर वाला बैगनी कलर, ठीक है, सबसे कम कौन झुकता है लाल कलर और सबसे अधिक कौन झुकता है तो बैगनी कलर, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा भी उल्टा पलटिया है तो आपको दोनों बता दिए हैं कि कम झुकता है लाल और अधिक झुकता है बैगनी, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जो है सही है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव आंख का रेटिना द्वारा जो इंसान का आंख होता है उसके रेटिना द्वारा बनाए गए छवि होती है। तो इसके रेटिना द्वारा बनाए गए छवि जो है हमेशा क्या होती है वास्तव में होती है, यानी वास्तविक होती है, क्या होती है वास्तविक और उल्टा होता है, कैसा होता है उल्टा होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है प्रकाश का रंग आकाश का रंग नीला प्रतीत तो होता है, जो हम लोग आकाश को देखते हैं तो वो किसका दिखाई देता है नीला दिखाई देता है, तो किस कारण दिखाई देता है ये हमें बताना है। तो वो कारण होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जैसे हम लोग देखते हैं ना तो प्रकाश में जब हम लोग ऊपर देखते हैं नीला कलर का जो दिखाई देता है आकाश, तो वो क्या होता है प्रकाश जो है बहुत सारे ऊपर जो है धूल कण में उड़ते होते हैं
उसके वजह से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, प्रकीर्ण होने के कारण ही हम लोग को आकाश कैसा नहीं दिखाई देता है, नीला कलर का दिखाई देता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, ये है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कि माने वो कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा बनता है। तो वो दर्पण का आपका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर का हो तो उससे क्या होगा, बड़ा बनेगा उसका प्रतिबिंब, क्या होगा, उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष, कैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये जान लीजिए। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसको दूर का वस्तु, माने जो जब आपका आँख खराब होगा तो दूर का सामान जो है, वस्तु जो है आपको नहीं दिखाई देगी, तो समझ जाइए आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो जब ऐसा दोष हो जाए कि दूर के वस्तु नहीं दिखाई दे, तो उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का जब प्रयोग करेंगे तो हमें दूर का वस्तु दिखाई देने लगेगी। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए फटाफट से, अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कौन सा आपका ऐसा मशीन है जो विद्युत धारा का उपस्थिति दर्शाता है। उपस्थिति माने बताता है कि यहाँ पे विद्युत है। तो वो होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत को बताता है कि यहाँ विद्युत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जो दाएं हाथ का जो नियम आप लोग दे सुने हैं, तो वो जो है राइट हैंड का नियम सुने है ना, तो उसको किसने दर्शाया था, तो उसको जो है मैक्सवेल ने दर्शाया था। किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। विभवांतर का एस आई मात्रक, कौन सा मात्रक, एस आई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एस आई मात्रक होता है वोल्ट। याद रखिएगा, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग। ऑप्शन ए यानी वोल्ट, विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया है आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में अच्छा भी है और आपका जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो कौन सा संयोजन होता है, श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम में अगर जोड़ते हैं कोई भी वायर तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, अच्छा तरीके से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा कैसे काम करती है, तो वो जो है आपका काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक, क्योंकि उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उस बल को हम लोग देख पाते हैं जी, नहीं देख पाते हैं, इसलिए काल्पनिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर आ चुका है, इसको ध्यान से देखना है बाबू लोग। देखिए फटाफट से जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है, जो 1 किलो वाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है ये हमें बताना है। तो वो जो है आपका होता है 3.6 × 10^6 जूल के पास, कितना है, 10^6 जूल के बराबर होता है, कितना, 1 किलो वाट इसके बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए
यहाँ पे कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा, तो ये तो ऐसा ही पता चल गया, नाभिकीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, तो ये भी क्या है, खत्म होने वाला है, तो ये अनवकरणीय है, ठीक है। नाभिकीय भी आपका अनवकरणीय में आ जाएगा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा जो है वो भी क्या है, एक खत्म होने वाली ऊर्जा है जो कि बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी, तो ये भी अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे नवीकरणीय पूछ रहा है, तो सूरज, देखिए सूरज इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, आपको सौर ऊर्जा जो है हमेशा मिलने वाला है। सौर ऊर्जा किससे मिलता है, सूरज से, तो सूरज तो इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, जब खत्म होगा तब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इसलिए सौर ऊर्जा जो है इसका नवीकरणीय का स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सौर ऊर्जा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो वो है अवतल लेंस, जिसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो प्राथमिक वर्ण जो है प्रकाश, जो हम लोग वर्ण विक्षेपण देखते हैं, तो उसका प्राथमिक वर्ण कौन होता है, तो प्राथमिक वर्ण देखिए यहाँ पे लाल बताया जा रहा है, नीला बताया जा रहा है, हरा, तो इनमें से सभी जो है प्राथमिक वर्ण है, तीनों का तीनों प्राथमिक वर्ण है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी यानी उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चढ़िए, बढ़िए यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो इसमें जो है कौन रंगीन भाग बताना है, तो रंगीन भाग होता है आयरिस, क्या आंसर, आयरिस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 HP के बराबर होता है, तो 1 HP के बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए बहुत ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इधर उधर नहीं नजर भटकाना है। ये क्वेश्चन कह रहा है विशालक, क्या कह रहा है, विशालक शीशा मैग्नीफाइज, क्या कह रहा है, मैग्नीफाइज ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइज ग्लास क्या होता है, वो होता है आपका उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फटाफट से, बच्चे लोग इधर ध्यान दीजिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कोण है, यानी कोई तार है वहां से क्या हो रहा है, विद्युत धारा जा रही है, तो वो जो है प्रवाहित गतिशील कोण कौन सा होता है, यानी परमाणु होती है, आयन होता है, या प्रोटॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, गति जो करता है, गति कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो ये आप लोग बता ही सकते हैं, आवेश का मात्रक है, किसका है, आवेश का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, फटाफट से इसको भी देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वो होता है आपका J/s, जूल पर सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, वाट पर मत मार दीजिएगा, बहुत लोग वाट और वोल्ट पर मार देते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए एम्पियर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फिर कह रहा है 25 नंबर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारे पृथ्वी पर कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे लिए खतरनाक है, हम सभी लोग के लिए खतरनाक है, जो ग्लोबल वार्मिंग दे रही है यानी हानिकारक है, तो वो गैस कौन सा होता है, वो होता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक गैस है, ठीक है, तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए CO2 ऑप्शन सी में है, तो ये क्वेश्चन सही जवाब है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे हम लोग जो सांस लेके छोड़ते हैं वही गैस है, अब वही गैस जब हमको मिलेगी तो क्या होगा, हम लोग को
सेहत खराब होगी जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। यानी पॉल्यूशन भी ज्यादा होगी, गाड़ी से भी जो पॉल्यूशन निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो अगर अगला क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगले वीडियो लेकर के आ रहे हैं इससे भी बेहतरीन, और फिर लाइव क्लास के साथ चेहरा भी दिखेगा उसमें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, आपके लिए इतना ही जरूरी है। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है, अगले वीडियो के लिए फिर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।